छत्तीसगढ़ से कल्याण की ओर जा रही एक इंडिगो वाहन और एक टैंकर की आमने सामने की टक्कर में 62 वर्षीय महिला और उसके 1.5 वर्षीय पोते की मौत हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा 2 जनवरी रविवार शाम करीब 6:30 बजे भुसावल नेशनल हाईवे नंबर 6 सिटी अस्पताल के सामने हुआ। हादसे के कारण कुछ देर के लिए जाम लग गया था। वह हादसे में इंडिगो गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। इसी बीच नागरिकों ने सड़क पर अवैध रूप से खड़े वाहन मालिकों के खिलाफ पुलिस प्रशासन से कार्रवाई करने की मांग की है। पता चला है कि जब इंडिगो CGDF 5047 छत्तीसगढ़ से कल्याण की ओर जा रही थी तभी वाहन का पिछला टायर फट गया और इंडिगो अवैध रूप से खड़ी टैंकर से टकरा गई। हादसे में चालक दीपक सिंह आलूवालिया उम्र 33 रायपुर छत्तीसगढ़ और गुंजन आलूवालिया उम्र 30 गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि दीपक सिंह की बेटी बानी आलूवालिया उम्र 1.5 साल और सुरेंद्र कौर उम्र 62 रायपुर छत्तीसगढ़ की मौत हो गई। पुलिस और स्थानीय लोगों के साथ घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। वही हादसे की सूचना मिलते ही परिवहन शाखा के सहायक निरीक्षक स्वप्निल नाइक, बाजारपेट थाना पुलिस निरीक्षक दिलीप भागवत, पुलिस नाइक संदीप राजपूत, SI शब्बीर तड़वी, आरक्षक राजेंद्र शिंदे, चालक सुनील शिंदे और बाजारपेट के सहायक निरीक्षक हरीश भोई समेत अन्य साथी मौके पर पहुंचे। घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराने के बाद पुलिस ने यातायात शुरू किया। बीके टाइम न्यूज लाइव के लिए सद्दाम हुसैन खटीक की रिपोर्ट। अपने को देखते हो डर जा रहा पीछे घर को ना देखा।